नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चार दिन पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान से तुलना करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने मदरसा पैदाइश के होसे से उड़ाई की। हीरा मंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बने इस देश की एक रिपोर्ट ने आतंकी मुल्क पाकिस्तान को करार तमाचा जड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की आर्थिक विकास दर 5.2% है, जबकि पाकिस्तान की विकास दर -0.4% है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार $42 अरब से ऊपर है तो पाकिस्तान $8 अरब 20 करोड़ पर अटका हुआ है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2,064 है, लेकिन पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय $1,130 पर अटकी है। बांग्लादेश में औसत आयु 72 साल है, मगर पाकिस्तानी टोपीबाज 67 साल के बाद हुरों की तलाश में भाग जाते हैं। इस रिपोर्ट ने उन जाहिल तैमन छापों का सिर शर्म से झुका दिया है जो खुद को एटमी ताकत बताते हुए जालीदार टोपी के छेद से रुमाल निकालकर दिखाया करते थे। मजे की बात यह है कि इसका दोष भी भारत पर मढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का इतना विरोध किया, जिसके बाद चीन को आखिर में इस परियोजना से हाथ खींचने पड़े हैं। इससे पाकिस्तान पर बेतासा कर्ज चढ़ गया। अगर यह प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता था, मगर अब चीन ने इस परियोजना को लगभग बंद कर दिया है। सिर्फ परियोजना ही बंद नहीं हुई है, बल्कि $400 अरब का जो निवेश पाकिस्तान में होना चाहिए था, वह उसे ईरान में लेकर भाग गया है। इस वजह से पाकिस्तान ने एक बेहतरीन अवसर गवा दिया है। पाकिस्तान के जाहिल तो यहां तक कह रहे हैं कि आज कश्मीर भारत का हो गया है। स्टेट बैंक को IMF ने कब्जा लिया है और CPAC अब ईरान के पास चला गया है। पाकिस्तान के पास ले देकर एटम बम का झुंझुना बचा है, जिसे इमरान लोंडा और पिंकी पीरनी मिलकर बजा सकते हैं, या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा को भी अपनी थप पर नचा सकते हैं। पाकिस्तान यह आरोप भी लगाता रहा है कि CPAC को तबाह करने के लिए भारत ने अपनी खुफिया एजेंसी रो के दफ्तर में एक डेस्क बनाया हुआ था। उसने बलूचिस्तान में फ्रीडम फाइटर को उकसाकर CPAC के मामले को गर्म किए रखा, जिसकी वजह से चीन को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर ईरान भागना पड़ा है। अब पाकिस्तान खुलेआम स्वीकार कर रहा है कि CPAC का वजूद लगभग खत्म हो गया है। वैसे आपके चैनल हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स ने CPAC को लेकर लगातार अपडेट दिया है। भारत के पीओके से गुजरने वाला यह गलियारा शायद ही अब अस्तित्व में आ पाएगा। अब भारत और अमेरिका का गला निशाना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बन रहा है, परंतु बावजूद इसके पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति से सबक सीखने की बजाय गुरबत में टोपी बेचती जनता पर एक और महंगाई का बम फोड़ने की तैयारी में है। इमरान सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले चंद दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 20-30% की बढ़ोतरी होने वाली है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल ₹112 प्रति लीटर पर बिक रहा है। आशंका है कि यह ₹135 प्रति लीटर के आसपास पहुंच सकता है। अगर तेल के दामों में इतना अधिक इजाफा हुआ तो तैमंद बाजों की लंका लगना तय है। CPAC का निवेश चीन ईरान में ले जा चुका है। 25 साल का ईरान और चीन में वायदा हुआ है। $400 अरब का निवेश ईरान को पाकिस्तान से कई अधिक शक्तिशाली बना देगा। इससे पाकिस्तान को अपने लिए बड़ा खतरा भी नजर आने लगा है। पाकिस्तान को डर है कि अगर ईरान ताकतवर हुआ तो उसका खामियाजा आर्थिक और रणनीतिक तौर पर मदरसा मुल्क को उठाना पड़ेगा। अब कहने वाले यही कह रहे हैं कि इमरान ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में सिर्फ यही काम किया कि जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो जरूर हल कर दिए हैं। भारत से कश्मीर का मसला सेटल हो चुका है। IMF के साथ पाकिस्तान का भाग्य अटैच करके आर्थिक नीतियों की कमान उसके हाथ में थमा दी है। अब कोई भी सरकार पाकिस्तान स्टेट बैंक से लोन नहीं ले सकेगी। हालांकि एक वक्त इमरान खान कहते थे कि वे IMF के मुंह पर $200 अरब देकर मारेंगे। वे $200 अरब तो नहीं दे सके, उन्होंने पूरा स्टेट बैंक उठाकर IMF के मुंह पर मार दिया है। जो लोग ये कहते थे कि आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, अब वही कहते हैं कि घोड़े की जीन को कभी गधे पर नहीं बांधना। इस तब्दीले खान ने जो ख्वाब दिखाए थे वे सारे के सारे बनी गाला के नाले में बह गए। इमरान की वजह से ही कश्मीर गया, CPAC बंद हुआ, अर्थव्यवस्था तबाह हुई, चीन पाकिस्तान से नाराज चल रहा है, अमेरिका से दोस्ती पूरी तरह खत्म हो चुकी है, सऊदी अरब गुस्से में चल रहा है, UAE पाकिस्तान से बिल्कुल भी खुश नहीं है, पड़ोसी देशों से उसकी बनती नहीं है, कर्जों में वर्दी के ऊपर वर्दी हो रही है, विकास के सारे काम 2.5 साल से लगभग रुके हुए हैं, सड़कें जो बनते बनते टूट रही थी वो टूटती ही जा रही है, महंगाई अपने पूरे उफान पर है, और दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई अगर किसी मुल्क में है तो वह जाहिलों के मुल्क पाकिस्तान में है। ऊपर से पूरे मुल्क को कोरोना की तीसरी लहर से जूझना पड़ रहा है, लेकिन जनता को लगाने के लिए इस देश के पास वैक्सीन नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश की तरक्की खुद बे खुद नजर आती है। बांग्लादेश में सेना को वह रुतबा हासिल नहीं है जो पाकिस्तानी सेना को देश में हासिल है। बांग्लादेश की तमाम संस्थाएं लोकतांत्रिक तरीके से ही चलती है। यहाँ जनता द्वारा चुनी गई सरकार सर्वोपरि है, जबकि पाकिस्तान में सरकार जिन्हें नियुक्त करती है वही लोग सरकार से ऊपर होते हैं।
पाकिस्तान ने पड़ोसी देशों के प्रति सदैव ईर्ष्या और शत्रुता की नीति अपनाई है। इसके लिए उसने आतंकवाद का दामन थामा है, जिसकी वजह से वह बर्बादी के मुहाने पर ही पहुंच गया है। जबकि बांग्लादेश ने पड़ोसी देशों के साथ विवादों को वार्ता के टेबल पर बैठकर सुलझाया और सफलता हासिल की है। इससे उसकी तरक्की की गाड़ी नहीं रुकी और वह विकास पथ पर सरपट दौड़ता चला गया। पाकिस्तान की तमाम सरकारें कश्मीर चिंगारती रही, परंतु इमरान के गद्दी पर बैठते ही मोदी उससे कश्मीर को भी ले उड़ा। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि लोडे ने 36 महीने के कार्यकाल में इतना सब कुछ लुटा दिया, तो बाकी के 25 महीनों में पीओके भी भारत के हाथ में चला जाए तो हैरत की बात नहीं होगी। पर लगता यूं है कि लोंडा अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह जाहिल टोपीबाजों के गधैया नृत्य के स्वभाव को बदलने नहीं देना चाहता है। लोगों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सही राह पर चल रहा है, अर्थव्यवस्था बड़ी जबरदस्त जा रही है, देश का व्यापार घाटा कम हो गया है, विदेशों से आने वाले रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो तस्वीर है उसे ना इमरान लोंडा देखना चाहता है, ना जाहिल टोपीबाजों को दिखाई जा रही है। बिजली गैस के दाम भी आसमान छूने जा रहे हैं। सरकार ने नेमरा को 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इससे देश में महंगाई की एक और सुनामी आने की तैयारी हो रही है। यानी नया पाकिस्तान में हर वो काम हो रहा है जो इन्हें खुद ही एटम बम बना देगा, जिसमें सिर्फ एक ही टोपीबाज नहीं फटेगा बल्कि पूरा पाकिस्तान मिलकर फटने की तैयारी में है। ऐसे में पाकिस्तान को विचार करना पड़ेगा कि बांग्लादेश की तरह आर्थिक तरक्की हासिल करने के लिए उसे किस डगर पर चलना है। कश्मीर के खेल में उसे क्या फायदा हुआ और उसने इसमें क्या कमाया है। जिस कश्मीर के चक्कर में उसने अपनी अर्थव्यवस्था तक बर्बाद कर डाली, उसे तो एक ही झटके में मोदी ले गया। पाकिस्तान की जीडीपी जो कभी 5.8% थी, आज -0.4% पर आ गई है। बांग्लादेश 5.6 जीडीपी शो कर रहा है, तो उससे कोई भी यह पूछने वाला नहीं है कि आपने कितना कर्ज लिया है, आपके मुल्क में कितनी महंगाई है। दुनिया सिर्फ उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की तस्वीर साफ नजर आती है। उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से 20 साल आगे चल रहा है। एशिया के इस हिस्से में पाकिस्तान की हालत अफगानिस्तान से भी बदतर है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के जिस ढोल पर थिरकते आए थे, वे अभी भी पूरी तरह बज रहा है, मगर जनता का ढोल पूरी तरह फूट चुका है। उनके पास बजाने के लिए सिर्फ एल्यूमिनियम के कटोरे बचे हैं, जिन पर होने वाले गधैया नृत्य इनके जाहिलपन को दिखाते रहते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।